Subscribe to my channel, Pocket FM Audio. बिना इजाजत के चार हाथियों के आकर्षण को तोड़कर घुसने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। दूर से एक चीख सुनाई दी। मंकी किंग ने कहा कि दर्श घबरा गया था। मंकी किंग भी घबरा गया था। आखिर यह आवाज किसकी थी? मंकी किंग उस आवाज की ओर जा ही रहा था कि तभी एक लाल रंग का विशाल पक्षी प्रकट हो गया। वो लाल रंग का विशाल पक्षी अपने साथ दर्श के उस हरे ड्रैगन को भी उड़ा ले गया था। दर्श ये देखता ही रह गया। मंकी किंग भी ये देखता रह गया था। दर्श के साथ मौजूद उसका रक्षक बूढ़ा आदमी भी ये देखता रह गया था। क्या ये भी दर्श का कोई भ्रम था या हकीकत थी? वहां जो हो रहा था किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दर्श जल्द से जल्द उस इंपीरियल बेरियल से बाहर निकलना चाहता था। पहले कभी भी दर्श ने ऐसे दो जानवरों को नहीं देखा था। उन्हें देखकर दर्श ने अनुमान लगाया। दर्श ने कहा, ये कहीं सीक्रेट स्किल तो नहीं? मंकी किंग और वो बूढ़ा आदमी दोनों दर्श की बातों को ध्यान से सुनते हैं। सब थोड़े हैरान रह गए थे। मंकी किंग ने कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये सीक्रेट स्किल ही होगी? हो भी सकता है ये किसी की चाल हो ताकि हम विश्वास कर ले और उनके पीछे चल दे। दर्श ने जवाब दिया, नहीं, लगता है तुमने उन्हें ध्यान से नहीं देखा है, पर मैंने देखा है। उस लाल रंग के विशाल पक्षी की बात करूं तो अगर वो किसी का गुलाम होता तो जरूर उसके शरीर पर अपने मास्टर का कोई निशान होता। यहां तक कि उसके साथ जो हरे रंग का ड्रैगन था उसके शरीर पर भी अपने मास्टर का कोई निशान होता जो उनके शरीर पर नहीं था। इससे ये तो साबित था कि ये किसी के गुलाम नहीं थे और ना ही किसी ने इस सीक्रेट स्किल को अपना बनाया था। मंकी किंग ने कहा, चलो मान ले कि वो किसी के गुलाम नहीं थे, पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो सीक्रेट स्किल ही थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाकई कोई जानवर ही हो। दर्श ने कहा, अक्सर सीक्रेट स्किल के इर्द गिर्द एक आकर्षण जैसा होता है। इन दोनों प्राणियों में उसी तरह का आकर्षण मुझे दिखाई दिया जिसके ऊपर से मैं ये कह सकता हूं कि ये हो ना हो कोई सीक्रेट स्किल ही थी। मंकी किंग ने कहा, तो अब? दर्श ने कहा, अब कुछ नहीं, पहले जितना जल्दी हो सके हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। दर्श, मंकी किंग और बूढ़ा आदमी तीनों बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे थे। इंपीरियल बेरियल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। इंपीरियल बेरियल चारों ओर से भ्रम से घिरा हुआ था। क्या सच था क्या झूठ कोई पहचान नहीं सकता था। चार हाथियों के आकर्षण को तोड़ना मुश्किल होता जा रहा था। चार हाथियों का आकर्षण चारों ओर फैला हुआ था। एग ने कहा, ये चार हाथियों का आकर्षण कुछ नहीं है दर्श, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। होश में आओ, यहां मौजूद हर एक चीज एक भ्रम है। दर्श ने कहा, ये सब भ्रम है तो हम यहां से बाहर कैसे निकले? आखिर हम करें तो करें क्या? तुम ही बताओ एक, आखिर हम इस जगह से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? दर्श ये जानता था कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो बस एक भ्रम था, लेकिन कहीं ना कहीं दर्श को वो चार हाथियों का आकर्षण असली नजर आ रहा था। दर्श उस शक्ति को महसूस कर सकता था। दर्श को विश्वास नहीं था कि उसके साथ मौजूद वो बूढ़ा आदमी था। वो इन चार हाथियों के रूप में मौजूद उन राक्षसों का सामना कर पाएगा या नहीं? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं उनका मुकाबला कर पाऊंगा। मेरी आकाश चलती लौ दुनिया की हर चीज को परिष्कृत कर सकती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दर्श चिंतित हो गया था। दर्श के चेहरे को देख मंकी किंग कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। अचानक उसके माथे पर आग के ज्वाले का निशान बना। देखते ही देखते बूढ़ा आदमी धीरे धीरे किसी आकार में बदल रहा था। बूढ़े आदमी ने एक विशाल रूप ले लिया था। बूढ़े आदमी के शरीर पर कई तरह के निशान भी थे, ऐसे निशान जिन पुरुष के शरीर पर रहते तो या तो वो बहुत क्रूर होते हैं या तो वो भयानक दिखाई देते हैं। बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से बदल गया था। दर्श और मंकी किंग देखकर चौंक गए थे। चार विशाल जानवरों ने बूढ़े आदमी की शक्ति को महसूस किया। चार विशाल जानवर ने आकाश की ओर देखकर जोर से चिल्लाए। उन चार हाथियों के आकर्षण ने बूढ़े आदमी पर हमला किया।
ये चार हाथियों वाला आकर्षण कोई मामूली आकर्षण नहीं था। ये ऐसा आकर्षण था एक ही शरीर में मौजूद चार अलग अलग हाथियों के चेहरे वाला भयानक राक्षस जैसा उसका रूप था। शरीर एक, चेहरे चार। दश, मंकी किंग और बूढ़ा आदमी देखते रह गए। चार हाथियों का आकर्षण को देख बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया और कहा, जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। बूढ़ा आदमी गुस्से से पागल हो गया था, वो बेकाबू हो गया था। बूढ़े आदमी ने दर्श की एक नहीं सुनी। बूढ़े आदमी की चीख सुनकर पूरी दुनिया हिल गई थी, साथ ही उसके शरीर से मौजूद मैजेस्टिक लॉ अधिक मात्रा में निकलने लगी। इस बार की ये लॉ कोई साधारण लॉ नहीं थी बल्कि बहुत ही खतरनाक थी। ये लॉ बाकियों की तरह मामूली नहीं थी बल्कि इस लॉ का एक आकार था। वो आकार विशाल जानवर का था, जहां चार सीक्रेट टेक्निक विशाल जानवर को एक छोटे से पहाड़ को बड़ी सी चीज में बदल सकती थी, तो वही ये विशाल जानवर वाली लॉ उन चार विशाल जानवरों को पूरी तरह से दबा सकती थी। बूढ़ा आदमी इसमें माहिर था, यहां तक कि वो मजबूत भी था। उस बूढ़े आदमी ने इन चार हाथियों के आकर्षण को एक ही बार में खत्म कर दिया था, उसे निगल लिया था। दर्श देखकर हैरान रह गया था, मंकी किंग भी हैरान था। चार हाथियों के आकर्षण की चीखें अभी भी दर्श के कानों में गूंज रही थी। देखते ही देखते आसपास का सारा नजारा बदल रहा था, भ्रम की दुनिया टूट रही थी। दर्श के सामने दृश्य बदलना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते पूरा का पूरा इंपीरियल बेरियल जो भ्रम की मायावी जाल से बंधा हुआ था वो टूट गया था। दर्श अब क्लियरली सब देख सकता था। दर्श ने मंकी किंग से कहा, ये बूढ़ा आदमी वाकई बहुत शक्तिशाली है। एक बार फिर बूढ़े आदमी ने अपनी शक्तियों से दर्श को चौंका दिया था। तभी दर्श की नजर सामने पड़े एम्परर्स टूम्ब में मौजूद बड़े से दरवाजे की ओर गई। दर्श को बाहर निकलने की एक उम्मीद नजर आई। ये दरवाजा 1000 फुट ऊंचा और 100 फुट चौड़ा था। ये दरवाजा इतना बड़ा था कि मानो जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा हो। यह दरवाजा सुनहरे रंग का था। इस दरवाजे में से सुनहरी रोशनी निकलती थी जो असली सोने से भी अधिक चमकीली थी। इस दरवाजे का मटेरियल बनाना असली सोने जितना आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। यहां तक कि यह मटेरियल पवित्र की भावना भी व्यक्त करता था। दर्श ने उस दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाए। दर्श उस दरवाजे को महसूस कर सकता था। दर्श को दरवाजे के उस पार का सब कुछ दिखाई दे रहा था। दर्श, मंकी किंग और बूढ़ा आदमी तीनों उस दरवाजे की ओर आगे बढ़े। दर्श ने जैसे ही उस दरवाजे को छुआ, दर्श उस दरवाजे के पीछे की दुनिया को देखकर हक्का बक्का रह गया था। दरवाजा अभी तक खुला नहीं था। दर्श ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मंकी किंग और बूढ़ा व्यक्ति भी दर्श के इस बर्ताव से हैरान हो गए थे। मंकी किंग और बूढ़ा आदमी दरवाजे के उस पार को नहीं देख सकते थे। मंकी किंग ने दर्श से पूछा, क्या हुआ दर्श, सब ठीक तो है ना? दर्श ने मंकी किंग को कोई जवाब नहीं दिया। दर्श उस दृष्टि को देखकर अभी भी सहमा हुआ था। दर्श का शरीर ठंडा दब गया था। दर्श ने एक अलग ही दुनिया देखी थी। वो दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जो दर्श ने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। वो एक ऐसी दुनिया थी जहां सभी जीते जी उस दुनिया में कदम रखना चाहते थे। दर्श उस दरवाजे को देखकर थोड़ा हैरान रह गया था। दर्श के मन में उस दरवाजे को खोलने का विचार आया। अगर दर्श वाकई उस दुनिया में प्रवेश करना चाहता था तो उसे उस दुनिया का दरवाजा खोलकर प्रवेश करना होगा। दर्श सहम गया था। दर्श के हाथ कांप रहे थे। दर्श पसीने से लथपथ था। दर्श ने जैसे ही अपना हाथ उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ाया, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अजय, उस दरवाजे को मत देखो, उसे खोलने की कोशिश भी मत करना, बूढ़े आदमी ने कहा। उस आवाज ने दर्श के विचारों के टुकड़े कर दिए। दर्श के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दर्श चौंक गया था। दर्श को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दर्श ने अपनी नजरें नीचे कर ली। नीचे करते ही अचानक दर्श के चेहरे पर एक मुस्कान आई। बूढ़ा आदमी देखकर चौंक गया। बूढ़े आदमी ने खुद से सवाल किया, आखिर दर्श मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहा था? ऐसा क्या देख लिया इसने? बूढ़े आदमी ने जैसे ही नीचे देखा, उसे समझ आया कि दर्श आखिर क्यों मुस्कुरा रहा था।
दर्श के पैरों के पास एक बड़ा सा आकर्षण था, जिसकी तेज रोशनी दर्श को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वो आकर्षण चार विशाल हाथियों की पैटर्न में था। वो चार विशाल हाथी एक असली सीक्रेट स्किल थी। दर्श उस स्किल की ओर आगे बढ़ा तो दर्श ने देखा कि उस मैजेस्टिक आकर्षण के बीच में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। आखिर कौन था ये बूढ़ा आदमी? दर्श उस बूढ़े आदमी की सिर्फ परछाई देख सकता था। दर्श ठीक से नहीं देख पा रहा था। ठीक से देखने के लिए दर्श थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने काले कपड़े पहने थे। उसकी आंखें चमक रही थी। दर्श और मंकी किंग देखने और आगे बढ़े तो देखा कि वो काले कपड़ों में मौजूद बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि दर्श का रक्षक था। दर्श ने कहा, तुम? अब समझ में आया कि ये आदमी आसानी से चार हाथियों के आकर्षण को इतनी आसानी से कैसे तोड़ लिया था। कहीं ये दर्श का कोई भ्रम तो नहीं था? ये जानने के लिए दर्श ने मंकी किंग से पूछा, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? तुम्हें भी वो बूढ़ा आदमी नजर आ रहा है ना? मंकी किंग ने हां में अपना सर हिलाया। मंकी किंग भी उस बूढ़े आदमी को देख सकता था। दर्श ने कहा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी है ना, ताकि हम तुम्हारी बातों में फंस जाएं। अब समझ आया कि तुमने वो दरवाजा खोलने के लिए भी क्यों मना किया। वो इसलिए क्योंकि तुम हमें यहां फंसा कर रखना चाहते थे, क्यों? सही कहा ना? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं। दर्श ने बूढ़े आदमी की बात को काटते हुए कहा, चार हाथियों का आकर्षण हकीकत में एक जाल था, ताकि उस जाल से वो बूढ़े आदमी को फंसा सके और उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। बूढ़े आदमी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मंकी किंग ने कहा, शांत हो जाओ दर्श। बूढ़े आदमी ने कहा, दर्श शांत हो जाओ, ना ये कोई चाल था और ना ही मैं तुम्हारे खिलाफ हुआ हूं। मैं अब भी तुम्हारा रक्षक हूं। ये मेरा लुटा हुआ खजाना था जो मैंने सालों पहले दफना के रखा था। दर्श हैरान हो गया था। दर्श को विश्वास नहीं हो रहा था। दर्श पहले तो एक पल के लिए सहम गया था। दर्श के पास उस बूढ़े आदमी पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो दर्श, मैं तुम्हारे पापा के समय से हूं। आज तक मैंने कभी भी धोखा नहीं दिया है। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। दर्श ने इस पर खूब विचार किया। दर्श ने उस बूढ़े आदमी को एक और मौका दिया। दर्श उस खजाने को देखकर खुशी से झूम उठा। दर्श ने उस काले कपड़े में मौजूद अपने रक्षक बूढ़े आदमी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। दर्श इंपीरियल बरियल पैलेस से बाहर निकलना चाहता था। दर्श एक ऐसा लड़का था जो छोटे शहर से आया था, जो बहुत ही चालाक, तेज और शक्तिशाली था। दर्श जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलना चाहता था। दर्श ने बिना कुछ सोचे उस एम्परर टूम के बड़े से दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी ने रोकने की कोशिश की। एग ने भी उसे रोकने की कोशिश की। दर्श रुक जाओ, दर्श आगे खतरा है, ऐसे आगे बढ़े तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझने की कोशिश करो। तेजी से बढ़ते एम्परर टूम के इंपीरियल गेट को देखते हुए दर्श की आवाज तेज और तेज हो गई। कोई दर्श को नहीं रोक सका। हालांकि दर्श अब भी उस गेट से 1,00,000 मीटर दूर था। उस इंपीरियल गेट में अचानक उतार चढ़ाव हुआ। वो उतार चढ़ाव अदृश्य था, परंतु उसे महसूस किया जा सकता था। दर्श उसे महसूस कर सकता था, जैसे कि वो नदियों और समुद्रों को पलटा सकता था, सब कुछ तबाह कर सकता था, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति रखता था। जब दर्श उस इंपीरियल गेट से 10,000 मीटर दूर था, दर्श ने किसी की बात नहीं मानी। दर्श ने अपने सामने मौजूद उस बड़े से दरवाजे को खोल दिया। दर्श ने बूढ़े आदमी से कहा, क्या तुम नहीं जानते थे कि इस दरवाजे के पीछे क्या था? क्या तुम नहीं देख सकते? बूढ़े आदमी ने ना में अपना सर हिलाया। वो दरवाजा जैसे ही खुला, एक तेज रोशनी सामने आई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि दर्श कुछ भी नहीं देख सकता था। अचानक वो रोशनी का प्रभाव बढ़ा। मंकी किंग, दर्श और बूढ़े आदमी ने कदम रखा। कदम रखते ही सभी नीचे गिर गए, एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए थे। पर मंकी किंग, दर्श और बूढ़ा आदमी तीनों बेहोश हो गए थे। क्या दर्श इस जगह से बाहर निकल पाएगा? आखिर ये नई दुनिया कैसी थी?
क्या दर्श और मंकी किंग इस मायावी जाल का सामना कर पाएंगे? अब दर्श के सर पर कौन सी मुसीबत मंडरा रही थी? आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।